देखिए बायो सावर्त लॉ को हम पढ़ने से पहले हमको एक चीज हमको ध्यान रखना होगा, एक वायर है, क्या है यह? एक वायर है और ये वायर से क्या चीज फ्लो हो रहा है? करंट, धारा का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? ये धारा का ये तार है और इससे किससे क्या चीज प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो बोल रहा है इस धारा के कारण किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा मेरे पास? सही धारा के किसी पॉइंट पे, यह जब किसी चालक से जब आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि करंट किसके रूप में प्रवाहित होगा? आवेश के रूप में प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या होगा, जब किसी चालक से आवेश गति अवस्था में रहता है तो वह कौन सा फील्ड बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब इससे इस तार से किसी बिंदु पर क्या चाहिए हमको? चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। हाँ, तो हमको इसके लिए किसने नियम दिया? बायो सावर्त लॉ। किसने दिया? बायो सावर्त ने। अब हम इससे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मतलब जब किसी तार से अगर यदि धारा प्रवाह कर रही है तो उसके चारों ओर क्या बना रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। अब अगर यदि चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किसी पॉइंट पर कितना होगा, इसको हमको निकालना है। ये इसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित कर रहा है तो मान लीजिए यह पॉइंट पी है। क्या पॉइंट है? पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट है, जो कि इस तार से कितना दूरी पर है? आर दूरी पर। वेक्टर आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? वेक्टर आर दूरी पर है। और यहाँ पर देखिए, अब अगर यदि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान ले आईडीएल, क्या मान ले? आईडीएल अगर भी छोटा सा करंट एलिमेंट मान ले तो इस कंडीशन में क्या होगा कि क्या होगा आईडीएल के कारण यहाँ कौन सा फील्ड? अब ये क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज है, इसको याद रखना। क्लॉक वाइज है, चल रहा ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर कौन सा क्रॉस हो जाएगा या डॉट हो जाएगा? क्रॉस क्रॉस मतलब क्या होगा? लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस हो गया। क्या हो गया? यह क्रॉस। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो यहाँ आईडीएल मतलब छोटे से करंट एलिमेंट के लिए इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा? छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? बीबी होगा। अब अगर यदि हम इसी का फुल्ली इंटीग्रेट कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पर टोटल। अरे हम किसके लिए लिखते हैं? एकांक इस तार की क्या होगी? लंबाई होगी ना, तो एकांक लंबाई से जो धारा प्रवाह होगा उस पर अगर यदि हम लोग निकाल लेंगे काफी छोटे इंस्टेंटेनियस पर, तो यहाँ डीबी हो गया। आईडीएल पर मतलब छोटे से करंट एलिमेंट के लिए इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बन रहा है, इसके लिए हमको ज्ञात करना है। मतलब बहुत छोटे से चुंबकीय क्षेत्र के लिए, बहुत छोटे से मैग्नेटिक किसके लिए? आईडीएल के वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से कहां पर करंट बनेगा? हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र को किसे डोनेट करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को किसे डोनेट करते हैं? बी से, वेक्टर बी से। तो इस कंडीशन में हमको निकालना है। अच्छा, एक बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ से इनके बीच का एंगल कितना होगा। मान लीजिए थीटा एंगल है, तार कुछ रोटेट पॉइंट पर है तो उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा एंगल। तो यहाँ देखिए, बायो सावर्त लॉ में यदि आईडीएल, आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है। ठीक है, वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर क्या है आप ही लोग बताइएगा, वेक्टर आर क्या है? रेडियस वेक्टर है इसका, है ना? इसको क्या लिखेंगे? रेडियस वेक्टर। अब देखिए फिर, अब इसमें क्या है? डीबी है, डीबी इज इक्वल टू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हिंदी क्या होगा? चुंबकीय। और थीटा है, बताइए थीटा भी है आपका इसमें? थीटा में क्या हम लिख सकते हैं? आईडीएल तथा पॉइंट पी के बीच का कोण। क्या लिख सकते हैं इसको? आईडीएल तथा पी के बीच का, हो गया। आप देखिए इस कंडीशन में यह ऑब्जर्व किया गया, तब यह पता लगाया गया, ऑब्जर्व किया गया, तब यह ऑब्जर्व किया गया
तब यह क्या ऑब्जर्व किया गया बबुआ कि सब जो होता है एक दूसरे के क्या है प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर यदि हम आईडीएल का वैल्यू बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो मतलब डीबी प्रोपोर्शनल क्या होगा आईडीएल, फिर डीबी प्रोपोर्शनल क्या होगा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, साइन के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो थीटा है इसके कितने गुणनफल साइन, फिर जो डीबी है जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा वह व्युत्क्रमानुपाती, दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा घटेगा। तो ये क्या किसके रूप में घटेगा आर स्क्वायर के रूप में घटेगा, किसके रूप में आर स्क्वायर। अब तीनों को जब मर्ज करेंगे तब क्या होगा, तब डीबी इज इक्वल टू क्या होगा आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर होगा। यही होगा रे कि और कुछ होगा रे। जब ये हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो अगर यदि आप डीबी को समानुपाती के सिंबल को हटा दें तो क्या होगा, तो क्या होगा कांस्टेंट हम लोग के ले लेते हैं के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हो गया, जहां लिखेंगे जहां के ये दिख रहा है जहां के बराबर कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट है किसके लिए फोर मैग्नेटिज्म के लिए फोर, और इसका वैल्यू कितना होता है के का वैल्यू म्यू बाय फोर पाई, क्या होता है म्यू बाय फोर पाई। जैसे वन बाय उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के का वैल्यू क्या आया था वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था 9×10⁻⁹। अब यहाँ जो है यह कूलम्स कांस्टेंट है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे किसके लिए है चुंबकीय के लिए, तो इसका वैल्यू के बराबर क्या होता है म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई। इस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप लोग को खुद पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए के बराबर ये फॉर्मूला रख सकते हैं, रख सकते हैं ना वैल्यू, या फिर हम लोग म्यू नॉट बाय फोर पाई का वैल्यू क्या होता है 10⁻⁴ कितना होता है, कितना हेनरी होगा क्या सर -4 टेस्ला होता है 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, क्या चीज होता है हेनरी पर मीटर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ पर डीबी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो डीबी बराबर हो जाएगा के जगह क्या रखेंगे म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट बाय फोर पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आईडीएल आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यही होगा कि और कुछ होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, किसका निकालने का फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब लिख देंगे इसे ही क्या कहा जाता है बायो सावर्त लॉ, क्या कहेंगे इसे ही क्या बोलेंगे बायो सावर्त लॉ कहा जाता है, इसको ही क्या बोलते हैं बायो सावर्त लॉ। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, अब वेक्टर के फॉर्म में देखिए वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में क्या होना चाहिए अब इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब डायरेक्शन क्या होगा डी बी इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, अब इसकी दिशा किधर हो रही है आई डी एल क्या होगा, नहीं समझ में आया ये जी सर आए तो साइन थीटा हट ले, ये भी साइन थीटा क्या होता है ए क्रॉस बी, नहीं वो पूछ रहे हो वेक्टर का फॉर्मूला में कल ले बताए थे ना ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर वेक्टर आर बराबर क्या लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर क्या होता है वेक्टर आर बराबर क्या होगा बताइए, वेक्टर आर का मोड इनटू आर कैप, यही होता है वेक्टर आर का मोड इनटू आर कैप। अब यहां पर अगर यदि रखेंगे वेक्टर आर का मोड, यहां वेक्टर आर रखे हैं तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा तो
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब ये कहिएगा आर क्यूब कैसे होगा, इजीली वे में आप लोग समझ लीजिए, आईडीएल इनटू क्या हो जाएगा, आर कैप, आर कैप के जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आर कैप के जगह, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं बताए थे, सेम तो वही चीज है रे, वही तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर दिए, ये वेक्टर के फॉर्म में है, लिख लीजिए इसको, आओ इसको रटिए लेंगे, रटना का है वेक्टर के फॉर्म में, इसको रटेंगे क्या, खाली वेक्टर ही वेक्टर जैसे ऐसे कर देंगे, हां वेक्टर वेक्टर, तो क्या जो वेक्टर है उसको वेक्टर दे देंगे, नहीं तो यहां पे वीडियो